खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, स्पष्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू कर देश भर में 17,000 के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 543 की गई जान, तो वहीं राजस्थान में 1495 तक पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 89 साल की उम्र में एम्स में ली आखिरी सांस। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में नागा साधुओं ने दिया महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं होने पर 3 मई को कूच की चेतावनी, तो वहीं मामले में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बांसवाड़ा में एमजी हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टूडेंट उतरे हड़ताल पर, अधिकारियों पर लगाया अनदेखी का आरोप, बोले जीएनएम कोई अधिकारी उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने दी हड़ताल की चेतावनी, सरकार से समझौता लागू करने की मांग। जालौर के सांचौर से विवेकानंद सर्किल पर स्वचालित सैनिटाइजर मशीन का राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, भील महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह पड़ियार ने शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि सैनिटाइजर मशीनें लगाने से आमजन में जागरूकता आएगी, साथ ही मुख्य बाजार में आने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइजर से होकर गुजरना होगा, जो कि कोरोना महामारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रदेश में सशर्त मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत हुई, जिसके तहत लॉकडाउन में कुछ सुविधाओं में ढील दी गई। बीकानेर अनाज मंडी में जिंसों की बोली हो रही है, अनाज मंडी में बोली व्यवस्था को 3 चरणों में बांटा गया, साथ ही कोरोना रोकथाम के बचाव अपनाए जा रहे हैं। जयपुर के जोजावर सिंह गेट के पास रामकिशन मीणा अपने परिवार के सहयोग से हर दिन करीब 500 लोगों को भोजन के पैकेट दे रहे हैं। लॉकडाउन के दिन से ही रामकिशन ने ये व्यवस्था शुरू कर दी। जयपुर में जिम फाउंडेशन सामाजिक सरोकार निभाते हुए जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं कोरोना योद्धाओं के जरिए रोजाना 450 जरूरतमंदों की भूख मिटाने का नेक काम भी कर रही है। दौसा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लॉकडाउन के बीच वाहनों से तेल चुराने वाले गिरोह को सक्रिय देखा गया। बीती रात करीब आधा दर्जन चौपहिया वाहनों की टैंक पाइप काटकर चोर डीजल पेट्रोल लेकर चले गए। ये चोर गिरोह पहले घरों की बाहर से कुंडिया बंद कर देते, फिर वारदात को अंजाम देते। ऐसी एक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी नजर आया, जिसमें कुछ लोग वाहनों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तलाश में जुटी। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश की अदालतों में 14 अप्रैल से जारी व्यवस्था के तहत ही 30 अप्रैल तक सिर्फ अर्जेंट केसेस की सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने रविवार को जारी किए गए आदेश को वापस लेते हुए स्थगित कर दिया। रविवार के आदेश अनुसार आज से प्रदेश के सभी अदालतों में प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन देर रात राजस्थान बार काउंसिल सहित अन्य बार एसोसिएशन के विरोध के बाद आज सुबह संशोधित आदेश जारी किया गया। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती के साथ बार पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 14 अप्रैल के आदेश के अनुसार ही सुनवाई की मांग रखी गई। आपको बता दें कि रविवार के आदेश के चलते कई कर्मचारी और स्टाफ कोर्ट पहुंच गए, जिन्हें संशोधित आदेश के बाद सभी को वापस घर जाना पड़ा। कोटा में गेहूं खरीद को लेकर बवाल शुरू हो गया है, कांटों पर अधिक वसूली के आरोप लगाए गए। बीजेपी देहात अध्यक्ष मुकुट नागर सहकारिता विभाग के अधिकारियों से मिली, समस्या से अवगत कराकर समाधान की मांग रखी गई। बीजेपी नेता लोकेंद्र सिंह राजावत भी मौजूद रहे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने राजकीय निवास से दैनिक संध्या ज्योति की तरफ से 1500 खाद्य सामग्री के पैकेट वितरण के लिए रवाना किया। डॉक्टर रघु शर्मा को दैनिक संध्या ज्योति दर्पण के संस्थापक संपादक ब्रिज मोहन शर्मा ने बताया कि खाद्य सामग्री की 1500 पैकेट जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन पैकेट्स में आटा, दाल, मसाला, तेल, साबुन आदि आवश्यक सामग्री रखी गई। उदयपुर के कुराबड़ क्षेत्र में मॉडिफाइड लॉकडाउन क्या शुरू हुआ, लोग सुबह से जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। हालात ये है कि दुकानों पर भारी भीड़ लगने लगी, तो वहीं आधी रात से ही नदी पेटों में अवैध रूप से बजरी खनन भी शुरू कर दिया। प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद जनता की लुका छिपी देखने को मिल रही है। बैंकों के बाहर भी भीड़ जुटने लगी।
जगत से झामेश्वर मार्ग, उमरडा मार्ग सहित पुराबड़ देवारी रोड पर करीब 50 से ज्यादा ट्रैक्टर बजरी लेकर बाजार तक पहुंचे। सार्वजनिक स्थल पर या बाहर घूमने पर मास्क नहीं पहना तो कम से कम 1 साल की सजा या फिर जुर्माना दोनों होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 के तहत ये कार्रवाई होगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए। पहले मास्क नहीं पहनने के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत इसे दंडीय अपराध माना गया, लेकिन अब इसके लिए जुर्माना और सजा तय की गई। इस संशोधित आदेश के जरिए डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस सब इंस्पेक्टर और उच्च स्तर के अधिकारी इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। और विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रवासी पशुपालकों की सहायता करने की मांग की। राजपुरोहित ने बताया कि आहोर क्षेत्र के निवासी समाज के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्य की सरहद में पशुओं के साथ बैठे हैं। वहां के लोग उन्हें खाद्य सामग्री के लिए गांव में नहीं घूमने दे रहे और मारपीट कर रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण में क्वारंटाइन कर लाए गए 26 लोगों को स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद माहेश्वरी धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि रामदेवरा सरपंच समंदर तवर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पहले विरोध किया था, लेकिन भारी सुरक्षा बलों के मौजूदगी में ग्रामीणों को तितर बितर किया गया। कोरोना से जंग में जोधपुर में दो पीढ़ियां एक साथ काम कर रही है। जालोरी गेट के अंदर रहने वाली 80 वर्षीय पार्वती देवी और अजीत भवन पैलेस में फैशन डिजाइनर के रूप में सेवाएं देने वाली मीनाक्षी राठौर ने कुछ ऐसा ही जुनून बना लिया। पार्वती देवी जरूरतमंदों को मास्क के साथ भोजन की कच्ची सामग्री का भी वितरण कर रही है, तो वहीं मीनाक्षी मास्क बांटने के साथ ही जागरूकता का संदेश भी दे रही है। जालौर में कोरोना के खौफ के बीच राहत की खबर है। आपको बता दें कि अब तक जिले में एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। वहीं चिकित्सा विभाग की तरफ से 234 संदिग्धों के लिए लिए गए सैंपल में से 232 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब तक विभाग की तरफ से करीब 15 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, तो वहीं बाहर से आए 358 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया। झालावाड़ में एक नन्हे बच्चे ने कोरोना से लड़ने के लिए अपने सपनों को पेंटिंग्स और कविता के माध्यम से बताया। झालावाड़ शहर में स्थित थर्मल पावर स्टेशन कॉलोनी में रहने वाले 5वीं के छात्र अशज कुरैशी ने बीड़ा उठाया। अशज ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से भारतीय संस्कृति, खान पान, वातावरण को स्वच्छ रखने सहित मास्क लगाने और स्टे एट होम का मैसेज भी दिया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 60 हो गई है। यहाँ एक ही समुदाय के 59 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद समाज के सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया। वहीं आज होम क्वारंटाइन कर रह रही महिला में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव महिला को विभाग ने उदयपुर रेफर कर दिया। वहीं उसके संपर्क में आए लोगों की छानबीन कर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी गेहूं के अतिरिक्त कोटे के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्रॉली से होम डिलीवरी करवाई जा रही है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि फसल कटाई का सीजन होने के चलते मजदूर और ट्रैक्टर ट्रॉली पर्याप्त मात्रा में नहीं पा रही, लेकिन फिर भी जो उपलब्ध है उसके जरिए डिलीवरी दी जाएगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए राशन डीलर पहले घर घर जाकर टोकन वितरित कर उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर देते हैं। इसके बाद समान दूरी पर खड़े उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया जाता है। आपको बता दें कि जिले में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत जैसलमेर में भी अधिकांश दुकानों को छूट मिल जाएगी। हालांकि पोखरण में कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांव भी बंद रहेंगे। वहीं जैसलमेर में एक ही पॉजिटिव केस नहीं होने के चलते लॉकडाउन 2.0 में कई छूट मिल जाएंगी। हालांकि पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही छोटी दुकानों में 2 और बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा ग्राहक एक समय में नहीं होंगे। दुकानों के मालिक और स्टाफ को प्रशासन की तरफ से पास जारी किए जाएंगे। पास के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। इस दौरान होम डिलीवरी पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर में पिछले 5 दिनों से कोरोना के करीब 19 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 16 मामले रेलवे म्यूजियम के शेल्टर होम में रह रहे खानाबदोश लोगों के हैं। देर रात्रि में आई रिपोर्ट में एक बच्चा और एक महिला सहित 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद आज सुबह की रिपोर्ट में भी दरगाह क्षेत्र में रहने वाले बिहार के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और चिकित्सा विभाग सख्ती में आ गया है। बताया जा रहा है कि जिस युवक
जो युवक सड़कों पर कपड़े बेचता था उसे दरगाह क्षेत्र से 18 अप्रैल को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजमेर में जहां मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देश में स्पष्टता नहीं होने के चलते उद्योग धंधे असमंजस की स्थिति में बने हुए। नागौर जिले में अजमेर विद्युत वितरण निगम ने लॉकडाउन के दौरान ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने की योजना बनाई जिनके द्वारा बिजली चोरी या बकाया भुगतान जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काट दिए गए। इस प्रकार के बिजली कनेक्शन को जुड़वाने का दोबारा मौका दिया गया। ऐसे उपभोक्ताओं को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान पूरी बकाया राशि का 25% से 50% तक जमा करवाने पर कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वाया जा सकता है। उदयपुर के कुराबड़ वन रेंज में अंतर्गत चासदा वनखंड में लगी भीषण आग अभी तक नहीं बुझ पाई। हालांकि ये क्षेत्र में 200 हेक्टेयर जलकर खाक हो चुका है। वन क्षेत्रीय वन अधिकारी विजेंद्र सिंह सिसोदिया के मुताबिक चासदा वनखंड में रविवार सुबह आग सुलग गई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक सड़क के किनारे फैली आग पर काबू नहीं पाया। पहाड़ियों की तरफ फैलती आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है, जिसके क्षेत्र की खारवा की पहाड़ियों में पेड़ पौधे जलकर खाक हो रहे हैं। जोधपुर के बावड़ी से खबर है, बोरवेल में गिरे मासूम की मौत हो गई है। खेपाड़ा थाना क्षेत्र की जोइंतरा की घटना है। 100 फुट गहराई में बच्चा फंसा था खेत में, खुले बोरवेल के पास खेलते समय यह हादसा हुआ। अलवर के कोटकासिम में तालाब में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। बारां पुलिस ने कोटड़ी गांव में हुई फायरिंग और ट्रैक्टर जलाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों भाई हैं और आदतन अपराधी। इसके बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सदर थाना सीआई राम भरोसी मीणा ने बताया कि शनिवार को रुक्मणी बाई मीणा ने 3 आरोपियों पर जानलेवा हमला और फायरिंग और ट्रैक्टर को जलाने का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुरुषोत्तम, शिशुपाल और चंद्र प्रकाश मीणा को गिरफ्तार कर दिया था। 12 में सामाजिक संस्थाएं खाना तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इस बीच खाने की गुणवत्ता को लेकर पालिका अध्यक्ष और ईओ सहित पालिका टीम ने सभी संस्थाओं के भोजन शालाओं का निरीक्षण किया, साथ ही जीरो मोबिलिटी क्षेत्र की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। 12 के सहरिया परिवार जंगलों का रुख करने लगे हैं। जंगलों से महुआ लाकर उनके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कई परिवार के लोग जंगलों की तरफ रुख करने लगे हैं। जंगलों में महुआ संग्रहण करने के लिए कई परिवारों ने डेरा डाल दिया। मौजूदा विधायक ने कोरोना को लेकर विजयनगर तहसील क्षेत्र के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में विधायक ने स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधाएं 24 घंटे के लिए अधिकारियों को पाबंद किया, तो वहीं प्रशासन के काम की सराहना भी की गई। जैसलमेर के पोखरण में एक और व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पोखरण में अब कुल 32 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अलग इनमें से एक मरीज ठीक होकर जा चुका है। झुंझुनू के सुल्ताना में पुलिस लॉकडाउन की पालना को लेकर सख्त है, जिसके चलते बेवजह वाहन लेकर बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई कर रही है और 7 बाइकें जब्त की। नागौर के परवतसर सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश होने पर किसान बेहद चिंता में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफी किसानों की फसलें अभी तक नहीं कटी है, तो वहीं खेतों में कटी फसलें जूं ही पड़ी हुई। उधर डीडवाना में भी अल सुबह से बरसात का दौर जारी है। यहां भी किसान फसल को होने वाले नुकसान को लेकर काफी परेशान है। वहीं सीकर में भी मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। तूफानी हवाओं सहित हुई बारिश ने फिर से किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। ये फसलों की कटाई का समय चल रहा है, अचानक हुई बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है। जालौर से सांचौर में उपखंड कार्यालय में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। हड़ेतर सरपंच दिनेश सिंह राज पुरोहित ने आगे आकर सराहनीय पहल करते हुए उपखंड कार्यालय में सैनिटाइजर मशीन लगवाई। लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी मुंबई में फंसे हुए हैं। वहीं प्रवासी बंधु के पिता का निधन होने पर मुंबई में फंसे पुत्रों को सांचौर लाने की गुहार पर पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने चीतलवाना एसडीएम को अवगत कराया, जिस पर एसडीएम ने मुंबई प्रशासन को अनुमति के लिए पत्र भेजा। झालावाड़ में कोरोना के चलते लॉकडाउन है, लेकिन झालरापाटन के कई व्यापारी इससे इतफाक नहीं रखते, जिसके चलते कई व्यापारी दुकानें खोलने से बाज नहीं आ रहे और लॉकडाउन के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं।
बांसवाड़ा जिला कलेक्टर कैलाश बैरवा ने घाटोल का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से फीडबैक लिया, तो वहीं कोविड-19 की सहायता योजना के पात्र और अपात्र लाभार्थियों से भी मुलाकात की। नागौर एसपी डॉक्टर विकास पाठक ने परबत्सर के कर्फ्यू ग्रस्त इलाके का जायजा लिया। इस दौरान तैनात पुलिस कर्मियों से मुलाकात की, तो वहीं थानाधिकारी से क्षेत्र में हालातों को लेकर जानकारी भी प्राप्त की। लॉकडाउन में कोटा के ब्लड बैंकों में ब्लड का टोटा होने के चलते थैलीसीमिया पीड़ितों की दिक्कत होने पर बीजेपी कार्यकर्ता आ गया। जिला उपाध्यक्ष भुवनेश महावर और उनके आधा दर्जन दोस्तों ने ब्लड डोनेट करके पीड़ितों को राहत दी। बारां के शाहबाद में आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वयं सहायता समूह के ठेकेदारों द्वारा बच्चों को सड़ा हुआ गेहूं दिए जाने का मामला सामने आया। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को दिए जाने वाला गेहूं खाने योग्य नहीं। बारां में उपभोक्ताओं का घर तक राशन नहीं पहुंचने की शिकायत सामने आ रही है, जिस पर छबड़ा नायब तहसीलदार ने राशन की दुकानों का उचित निरीक्षण किया। इस दौरान ज्यादा मात्रा में गेहूं का स्टॉक मिलने और कहीं दुकानें बंद मिलने पर डीलर्स को नोटिस दिया गया। अलवर के किशनगढ़ बाह क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद और शराब कारोबारी मुनाफा कमा रहे हैं। लॉकडाउन का फायदा उठा ये कारोबारी लोगों को जमकर लूट रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक मामा गुटखा, जिसकी 430 रुपए में 200 पुड़िया आती है, अब इसका दाम 3500 से लेकर 3600 रुपए हो चुका है। लॉकडाउन में बेवजह बाइक पर घूमने वालों पर सुल्ताना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 बाइक जब्त की। लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। सिरोही के निम्बज कस्बे में सिद्धेश्वर मंदिर के बाढ़ में आग लग गई। अज्ञात कारणों से आग लगने पर बाढ़ जलकर आग हो गई। सूचना पर ग्रामीणों ने पानी के टैंकर से व्यवस्था कर आग पर काबू पाया। झालावाड़ के मनोहर थाना के कामखेड़ा थाना अधिकारी ने सीएम राहत कोष में सहयोग राशि का चेक उपखंड अधिकारी को सौंपा है। थाना अधिकारी मदनलाल वर्मा ने अपनी स्वर्गीय पत्नी की पुण्य स्मृति में सीएम राहत कोष में 11,000 रुपए की राशि दी। हनुमानगढ़ टाउन में स्वास्थ्य सुपरवाइजर के खिलाफ एएनएम और आशा सहयोगियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सुपरवाइजर को हटाने की मांग की, जिसको लेकर डीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ कांग्रेस जिला का अध्यक्ष ने कोरोना फाइटर्स चिकित्सा कर्मियों सहित पुलिस कर्मियों, शिक्षक, पंचायती राज के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। तो वहीं जिला अध्यक्ष और प्रतापगढ़ विधायक ने प्रशासन से मिलकर सहयोगात्मक पहल करने का आह्वान भी किया। परिवहन आयुक्त रवि जैन 3 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में चल रही कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा लिया, तो वहीं एसडीएम ने आयुक्त को संबंधित जानकारी भी दी। लॉकडाउन में नए प्रावधानों के तहत मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने पर दंडीय अपराध का पहला मामला मेड़ता थाने में दर्ज हुआ। इस मामले में मेड़ता पुलिस ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में लॉकडाउन की आड़ में ही भी होटल ढाबों में अवैध शराब बेची जा रही है। आबकारी पुलिस अधिकारी अरविंद कीची की टीम ने विश्वकर्मा इलाके में अजमेर दिल्ली हाईवे पर जगजीवन ढाबे पर तबीज दी। पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करने के साथ ही अवैध शराब बेचते आरोपी को गिरफ्तार किया। मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में बीजेपी नेता आशा मीणा ने कोरोना वॉरियर्स को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया और कोरोना से लड़ाई लड़ रही योद्धाओं के जज्बे को सलाम भी किया। कोरोना को लेकर पूर्व विधायक रतन देवासी जालोर लोकसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं और मौजूदा हालातों की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही आमजन से घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं। किडावा में पंप हाउस पर जलाशय की सफाई कार्य होने के चलते कस्बे में जलापूर्ति बाधित रही। कोरोना के चलते जीरो मोबिलिटी होने पर जलदाय विभाग ने टैंकर्स के जरिए लोगों को जलापूर्ति की। श्रीगंगानगर में मुखबर की सूचना पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए श्रीकरणपुर के नजदीक गांव के पास दबिश दी। इस दौरान मौके से 30 लीटर अवैध हथकड़ शराब, 50 लीटर वाहन और एक चालू भट्टी के उपकरण जब्त किए गए। लॉकडाउन में दौसा पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसके चलते रतनपुर गाँव में 10,000 लीटर गोश नष्ट किया गया, तो वहीं 300 लीटर गोश और शराब नष्ट करके को गिरफ्तार किया। अजमेर के ब्यावर पुलिस ने अवैध हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने करीब 5,000 लीटर गोश नष्ट की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जिससे बजाज थाना क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद संदिग्ध मानते हुए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया, मगर इस 85 वर्षीय महिला की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोटा में जेडीबी कॉलेज के सामने करीब 1 दर्जन परिवारों के कई दिनों से भूखे होने और छोटे बच्चों को दूध नहीं मिलने की सूचना यूडीएच मंत्री को मिली, तो इस पर तुरंत कांग्रेस नेता राजेंद्र सांकला खाद्य सामग्री लेकर गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए निकल गए।
झालावाड़ की सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाने की सामग्री बेचते हुए दो को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में महुआ और गुड़ सहित बाइक बरामद किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए प्रश्न या न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।